और आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, इन दिनों प्रत्याशियों के माथे पर पसीना बह रहा है, और आज हम आपको ऐसी ऐसी जगहों का दीदार कराएंगे जहां सरकार की सचमुच में कोई योजना नहीं पहुंच पाई। दिया तले अंधेरा की बात कही जा सकती। झाझा प्रखंड अंतर्गत दादपुर हॉल से थोड़ा सा आगे एक महादलित की बस्ती, मछिंद्रा से थोड़ा सा पहले, जहां बुनियादी सुविधा भी नहीं, पीने का पानी भी नहीं है। कई ऐसे सुदूर गांव जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। भले ही भारत के लिए अमृत काल हो, लेकिन जिनके घरों में पानी नहीं है ना, उसके लिए अमृत काल क्या, जहर काल उसके लिए कहा जा सकता है। ऐसे में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म श्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद हर गांव जाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को जान रहे हैं। उनका एक ही कहना है, आखिर आज़ादी के बाद भी आज तक इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं अधिकारी, सांसद, विधायक ये सब काम कर पाए, आखिर क्यों, क्या कारण रहा है। हालांकि वो भी प्रत्याशी हैं जमुई लोकसभा से, वह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जो काम मुखिया कर सकता है, जो काम वार्ड पार्षद कर सकता है, वो एक उम्मीद सांसद से लोग लगा बैठते हैं। सारा काम सांसद ही करेंगे ये जरूरी नहीं, क्योंकि पंचायत राज का गठन ही इसलिए हुआ है कि पंचायतों का विकास हो सके, पंचायत की जनता की भलाई हो सके। लेकिन आज भी पंचायत की जनता उसी तरह से नरक की जिंदगी में जी रहे हैं। छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, अब सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने महादलित बनाकर मूसर जाति को उत्थान के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हकीकत बात यह है कि मूसर जाति के लोग आज भी समाज के सबसे पिछले पैदान पे नजर आते हैं। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। आज तक हमारे आदिवासी लोग ऐसा हालत में, बहुत दुख की बात है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आप लोग के लिए, क्योंकि हाँ वहीं पर हम पढ़े हैं दोस्त। तो बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं आप लोग का? अगर आप लोगों के लिए एक बात करता हूँ, अगर शहर के नज़दीक घर बना दिया जाए तो आप लोग वहाँ रहेंगे? तो हमारी तो देश का एक ही डीसी होता है, उस पद पर हम रहकर आए हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा का इतना महत्व है कि आपके परिवार को गरीबी से बाहर कर सकता है। आप ये सोच लीजिए कि अगर अच्छा से आपका बेटा या बेटी दोनों पढ़ गए तो बेटी का लाइफ भी ठीक हो जाएगा और बेटा का लाइफ भी ठीक हो जाएगा। ये भी आप जान लें कि मैं आर्ट सर्जरी छोड़ करके मुझे नेता बनने का शौक नहीं, लेकिन मैं पिछले आया हूँ नेता बनने लिया था। मैं सर को बता देना चाहूँ कि इस पूरी गांव में लाइट होने के बावजूद भी अंधेरा है, क्योंकि इस गरीब के पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो बल्ब लगा सके। ठगी का शिकार हमेशा हुआ। हम सर से आग्रह करना चाहेंगे कि जितना जंगल में आप आए हैं, कभी तो माओवादी बोल के उठा के लेके चला जाना, कभी तो अभी एजुकेशन की क्या बात करूं। मैंने सोचा बैठ करके कि आप लोग को शहर के नज़दीक, रोड के नज़दीक आपके लिए घर बना दिया जाए, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें, बच्चे पढ़ सकें, और बच्चों को ऐसे विद्यालय में हम रखें जहां सरकार उसको एक अलग स्कूल हम खोलेंगे आपके। मेरा स्कूल मेरा दिमाग में है हर प्रखंड में खोलने के लिए, हर प्रखंड में लड़कों टाइम लगेगा। तब तक जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के एक महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर हम पढ़ाई को टेली एजुकेशन के मतलब होता है
कि हमारे अच्छे अच्छे टीचर बाहर से पढ़ाएंगे और बच्चे उसको टीवी पर देख करके बच्चों से बात से छीना गया और न गरीब के पास कोई व्यवस्था है न 580 वोट भी मिलेगा। मगर इस बार ये तमाम गरीब अपनी कमर को कसा है और कसने के बाद 580 वोट ठोक के देगा। इसके लिए न कोई कुछ हम लोगों की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, बस हम तो एक ही जरूरत है कि ऐसा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, एक इतना अभिनवी डॉक्टर, इतना गरीबों परवर का डॉक्टर कम से कम हमारा बात तो सुनेगा कि कामना करते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं, इनकी मजदूरी यही हो सकता है कि आप ठोक के दीजिए और आत्मा को शांति उस वक्त मिलेगी कि हमने एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान को वोट दिया है कि जो भारत का भविष्य है। रही बात सर इनके साथ सब नेता झूठ बोलता है सब, नहीं तो मेरा देश मेरा बच्चा लोग ऐसा नहीं है। अगर इसके लिए अच्छा है सामने से बोर्ड भी हो अच्छा, एक समान होनी चाहिए। कोई ऐसा स्कूल ना बनता कि एक पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल, अगर ये लिख दिए होते तो हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते जहाँ सबके बच्चे बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते। तो इस नीति को हम लाना है, हमें इस नीति में सारे अधिकार दिए गए हैं, कैसी स्थितियां बदलेगी, अकेले राज्य सरकार केंद्र सरकार क्या क्या करेगी। मुखिया के पास भी इतनी सारी योजना है कि गांव के लोगों को चाहे तो हर तकलीफ को दूर कर सकता है, लेकिन मुखिया चाहे तब ना एक हैंडपंप दर्जनों घर दर्जनों महिलाएं तमाम पुरुष एक चापाकल से तमाम लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पता नहीं गर्मी में क्या हाल होगा। हमारा देश की स्थिति ये है कि आज देश की राष्ट्रपति सैल्यूट ड्राइव और तब ये हाल है तो बड़ा अफसोस की बात है। अगर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं राष्ट्रपति ये कहते कि पहले सबको हमारे लोग अपनी काम करने जाते हैं कितना कमाते हैं 5,000-10,000 यही कमाते हैं। मैं आप लोगों से तो पढ़ा लिखा है कुछ भी मैं यहाँ पूछना चाहूंगा अपने माझी से अपने सभी लोग से कि 1947 के बाद कोई भी बड़ा नेता या कोई भी कैंडिडेट क्या आपके पास आया है? ये पहली बार है, ये पहली बार है, पहली बार यहाँ पर या तो कोई नक्सल के नाम से उठा के लेके चला जाना। हम लोग यहाँ पानी कहाँ से लाती है, पानी पीने का क्या साधन यहाँ है? दूर से लाती, दूर से लाती हैं। पानी पीने का कोई साधन यहाँ नहीं है? नहीं। ये बर्तन धोने का भी देखिए, ये देख सकते हैं दर्शकों आप, ये गंदा पानी है, ये भी गंदा पानी है और इसी पानी से ये बर्तन धोएंगी और फिर इसी से इनका दिनचर्या शुरू होगा, फिर खाना। कहाँ से पानी कैसे पीती हैं आप लोग? अच्छा, कहाँ से लाती हैं पानी आप? दूसरा घर में, दूसरा दूर से पीने का पानी भी आ रही है। टेली एजुकेशन से जोड़ूंगा, टेली मेडिसिन से जोड़ूंगा,
आपका यहाँ का बीमार पड़ जाएंगे, गाँव में तो बीमार पड़ गया तो अस्पताल यहीं पर आएगा। बहुत अच्छा है युवाओं के लिए कि आगे बढ़ाने की जो ये प्रक्रिया चुनाव, बहुत खुशी की बात है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। समर्थन आप युवाओं का रहेगा? हाँ, इनको समर्थन तो युवाओं का रहेगा। आप लोग वोट देने जाएंगे ना, इनसे मुझे सवाल करना, आप क्या करेंगे? मैं लेकिन इन खराब क्या डॉक्टर साहब के, लेकिन जो है हम लोग का बिजली का पैसा माफ कर दीजिए क्या? कौन छुए आगे? आगे जाना, आगे जाना है। फिर मिलेंगे आप लोग से, नीति की जरूरत नहीं है। और अस्पताल कोई बीमार अभी हम जिंदा रहना है। सन 1947 के बाद ये गांव पहला गांव है कि जो कैंडिडेट अपना वोट मांगने के लिए आए। देखिए इन मासूमों के तरफ, ठेकेदार पटेदार अपनी वोट को लेता है, इनको वोट तो देने तक भी नहीं दिया जाता है। इस बार हम लोगों ने मरतबा ये गांव धोबिया है और इसके बाद से तीसरी है। 580 वोट का ये हकदार है और ये इतना सच्चा आदमी है, मैं सर को बता दूं, आज सच्चाई के बिना पर इसके यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई लिखाई सब। चलिए।